सब्सक्राइब कीजिए अनविदार के चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की खबरें सबसे पहले जानने के लिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका अनविदार के में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपको देश और दुनिया की कुछ ताजा खबरें जो आपको जानना जरूरी है जो बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। दोस्तों पहली खबर ये ले रहे हैं और खुशखबरी वाली खबर है कि आप भी देख रहे होंगे और हम सब भी देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। जहां 6,200-6,300 पर अटका हुआ था वहां अभी जो बिटकॉइन है 7,300, 7,400 और 7,500 तक भी पहुंच गया था, लेकिन अभी कुछ आज की तारीख में कुछ डिप मारा है उसने, कुछ कम हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन की कीमतें बढ़ेंगी और जल्दी बढ़ेंगी जैसा कि प्रेडिक्शन किया गया है उस तरीके से। तो दोस्तों मैं अगली खबर पे लेके चलता हूँ और अगली खबर जो आ रही है वो बहुत ही धमाकेदार है और बहुत अच्छी है। आपको पता होगा कि एक मैसेजिंग ऐप है जिसका नाम है लाइन, और लाइन काफ़ी लोगों ने यूज भी किया होगा। ये जापानीज मोबाइल की एक एप्लीकेशन है और आपको मैं बताऊं कि ये बहुत ही जल्दी अपना एक एक्सचेंज लेकर आने वाली है और इस एक्सचेंज में करीबन 30 क्रिप्टो करेंसी के पेयर्स होंगे जिसमें आप आराम से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेन कॉइन तो इसके अंदर होंगे ही, जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, रिपल और इथेरियम, ये सारे कॉइन, लाइट कॉइन, ये सारे कॉइन इसमें होंगे ही। बाकी और क्या क्या नए जो पेयर आएंगे, इन्होंने जो डिक्लेयर किया है वो किया है करीबन 30 क्रिप्टो करेंसी का पेयर सबसे पहले पेश करने का। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ये कहानी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपने एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे टोकन लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे आईसीओ लेकर आ रहे हैं। दोस्तों अगली खबर भी बहुत अच्छी है और बहुत धमाकेदार है। मैं आपको बताऊं कि यूके में एक मस्जिद है जिसका नाम है सैकलवेल लेन मॉस्क। 2 महीने पहले इन्होंने अपना डोनेशन लेना शुरू किया था क्रिप्टो करेंसी में, जब रमजान चालू हुए थे। और आपको बताऊं कि एक बहुत ही बढ़िया खबर ये आ रही है कि इस मस्जिद ने ये डिक्लेयर किया है कि अभी हमारे पास मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो डोनेशन करने वाले हैं वो क्रिप्टो करेंसी में करने वाले हैं, मतलब धड़ाधड़ क्रिप्टो करेंसी मस्जिद के डोनेशन में आ रही है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की और बहुत सारी चीजें भी क्रिप्टो करेंसी में जुड़ती जाएंगी। दोस्तों अगली खबर भी बहुत धमाकेदार है और आपको बताऊं कि एक माल्टा बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है स्टासिस, और इसने लॉन्च किया है एक नया टोकन जो है यूरो से पूरी तरीके से बैक्ड। जैसे टीथर जो है वो डॉलर से पूरी तरीके से बैक्ड है, ठीक उसी तरीके से इन्होंने जो बनाया है एक टोकन जिसका नाम है यूराज, यूरोज को इन्होंने पूरी तरीके से बैक्ड किया हुआ है अपने यूरो से। तो यूरो की कीमत जो रहेगी उतनी ही यूराज की रहेगी, ठीक टीथर की उस पर तर्ज पर ये काम करेगा और ये जो टोकन है बहुत जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। और दोस्तों इस कंपनी ने ये दावा किया है कि इनका 100 मिलियन जो है वो प्री लॉन्च में ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर आ चुके हैं, बुक हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में ये दावा करते हैं कि 500 मिलियन डॉलर्स का इनके पास ऑर्डर आ जाएगा इस ही साल के अंदर। दोस्तों अगली खबर आ रही है यूएस की तरफ से और चिंताजनक है, इसलिए कि वहां के एक यूएस के कांग्रेसमैन है, मतलब लेजिस्लेटर है, मिस्टर ब्रैड सेरेमन। और मिस्टर ब्रैड सेरेमन ने जो वहां की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और फाइनेंस सर्विसेज कमेटी है उसमें एक इन्होंने अपना व्यक्तित्व दिया है, और व्यक्तित्व क्या दिया है कि मार्च में भी इन्होंने बोला था कि बिटकॉइन जो है वो एक तरीके से क्रॉक है, मतलब क्रॉक का मतलब यह है कि थका हुआ है, बकवास चीज है। और इस बार उन्होंने फिर उस चीज पर मुद्दा उठाया है और कहा है कि अमेरिकन्स को बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देती है, और आपके ब्लैक मनी को अगर रखना है तो वही लोग इसको यूज करेंगे क्रिप्टो करेंसी को। तो इस तरीके से उन्होंने जो अपना बयान दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उन्होंने ये बयान दिया है और ये लेजिस्लेटर है, तो इसलिए इनके बयान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों अगली खबर थोड़ी सी भी चिंताजनक है और मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़े बिलियनरीज एक इन्वेस्टर है, मिस्टर हार्वर्ड मार्क्स। और हार्वर्ड मार्क्स जो है उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन का कोई भी सब्सटेंस नहीं है, मतलब उन्होंने भी एक नेगेटिव अपना व्यक्तित्व दिया है। उन्होंने जो 3 बातें मेन कही हैं वो मैं बता दूं, वो ये है कि पहली बात इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, इट्स अ ट्रेड।
दूसरी बात, इन्होंने ये जो कहा है कि बिटकॉइन को आदमी क्यों खरीदता है, बिटकॉइन को इसलिए खरीदता है कि आने वाले टाइम में कोई उससे महंगा उससे खरीद लेगा, तो उन्होंने कहा है कि इसीलिए बिटकॉइन को खरीदता है। दोज हु आर बाइंग बिटकॉइन आर नॉट गोइंग सो बिकॉज दे थिंक समवन विल बाय इट फ्रॉम देम एट हायर प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्क। तो ये मार्क्स आपने बोला है। और तीसरी बात उन्होंने जो बोली है वो ये बोली है, 50% से भी ज़्यादा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की कीमतें गिरी हैं, स्पेशली बिटकॉइन की, कि $19,000 से कहाँ $6,000 पर आ गया। तो ये बात भी उनकी दम रखती है। दोस्तों अगली खबर जो है वो बहुत धमाकेदार है और हर आदमी जानता होगा उस आदमी के बारे में जिसका नाम है जॉन मैकवी। जॉन मैकवी के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो बहुत ही तगड़े क्रिप्टो लवर हैं और हमेशा अच्छे अच्छे व्यक्तित्व जो है देते रहे हैं। दोस्तों इस बार भी उन्होंने एक व्यक्तित्व दिया है और बहुत ही धमाकेदार दिया है, और वो बोला है कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में दोस्तों ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, अभी धीरे धीरे ज्वालामुखी धधक रहा है, उन्होंने कहा है ये धधक रहा है धीरे धीरे, जो 6,000 7,000 पे जा रहा है, और आने वाले टाइम में ये एक ज्वालामुखी का विस्फोट होगा बहुत तगड़ा और लोग बाग भौचक के रह जाएंगे। ये व्यक्तित्व था जॉन मैकवी का। अगली खबर भी मैं थोड़ी सी ले रहा हूँ, एक फेडरल रिजर्व न्यू चेयरमैन है, उन्होंने एक सेंटेंस किया है क्रिप्टो करेंसी के लिए कि इट हैज नॉट स्टोर वैल्यू ग्रेट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। उन्होंने भी वही बात की है जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताई थी कि जो एक लेजिस्लेटर हैं जिन्होंने बोला है बिटकॉइन के बारे में कुछ गलत, सेम वही चीज उन्होंने कहा है यहाँ कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देती है और कई तरीके की रिस्क हैं कंट्री के लिए, फाइनेंशियल रिस्क है। ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ, ये जो फेडरल रिजर्व के ये जो चेयरमैन हैं ये अमेरिकन हैं, इन्होंने ये बोला है। तो दोस्तों इस तरीके की बहुत सारी अच्छी खबरें और बुरी खबरें आपके सामने मैंने पेश की, और हो सकता है आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और इसको सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी का बटन भी दबा लेना, जिससे हमारा हौसला बढ़ा रहे और आपको हमेशा अच्छी अच्छी खबरें हम देते रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय।